आपको न्योता है शरद पवार से, और वो भी खास मेहमान बनने का, जो कि पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इमरान खान साहब का क्या कहेंगे? खान साहब से मेरा नाता 1983 का है, मैंने उन्हें बड़े नजदीक से देखा है, भरोसा है मुझे उन पे। मैंने उन्हें कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए देखा है, संवरते हुए देखा है, निखरते हुए देखा है। मैंने उन्हें वन ट्रैक माइंड देखा है, क्रिकेट खेली तो पूरी संपन्नता से, छोटी छोटी चीजों से पूर्णता मिलती है, और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है, वो पूर्णता से खेली। पॉलिटिक्स की तो 26 साल लगे, एक सीट से स्क्रैच से शुरू किया और आज प्रधानमंत्री बने। कैरेक्टर कठिन परिस्थितियों में बनता नहीं, दर्शाया जाता है। उस किरदार पे मुझे भरोसा है, और मुझे ये भी भरोसा है कि राजनीति जहां मैली हो गई, राजनीति जहां धंधा बन गई, एक ऐसा इंसान जिसने कैंसर हॉस्पिटल पे अपनी सारी पूंजी लगा दी, वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल, वो लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करने का सामर्थ्य रखता है, ये विश्वास है मेरा। देखिए, सरकार कोई अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं, सरकारें चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी होती है। जो पहले थे वो चले गए, एक नया युग होगा, एक नई सुबह है ये, जैसे सौंधी खुशबू उठती है बारिश के बाद, काफी अरसे के बाद जब पड़ती है, वैसी खुशबू, एक आस। राजनीति आस और विश्वास की है, विश्वास मुझे उन पे था, और अब आस भी बंधी है कि कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं जो सुधार ला सकती हैं। लेकिन इमरान के आने से आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव आएगा, एक नई शुरुआत होगी, आप ऐसा कहते हैं? देखिए, उनकी जबान से निकला हुआ शब्द जो है, मुझे उस पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आप एक कदम चलो, मैं दो कदम आऊंगा, और मैं अमन अमान चाहता हूं। कौन नहीं चाहेगा? एक परसेप्शन है जो बदल सकती है। लोकतंत्र में टेबल के ऊपर मुद्दे सुलझते हैं, अहिंसा जो है वो लोकतंत्र का मूल स्वभाव है। We must shun violence. कश्मीर का लाग तो उन्होंने अलाप दिया थे। देखिए, ताकि कश्मीर का मुद्दा सुलझाना पड़ेगा। देखिए, बाकी प्राइम मिनिस्टर उसमें कोई फर्क नहीं है। एक बात समझिए कि कश्मीर भी मुद्दा है और भी मुद्दे हैं। मैं एम्पावर्ड हूं पंजाब से, मैं पंजाब के नजरिए से कुछ चीजों को देखता हूं। मैं चाहता हूं कि 550वां जब गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो तो हम शुरुआत ननकाना साहब से करें, और मैं मुख्यमंत्री साहब को वहां ले जाऊं। क्या ये गलत सपना है मेरा? नहीं। करतारपुर कॉरिडोर खुले, लाखों का भला होगा। हमारे बॉर्डर पे ताले लगे हुए हैं, हालांकि कराची और बॉम्बे खुला है, तो ये पक्षपात क्यों? अगर ये खुलता है तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो संबंधों को खुद ब खुद सुधार देगी। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है, मेरी मेरी तमाम इंसिडेंट, मेरी एक मेरी अगर वहां रुकेंगे नहीं तो ये सपना आपका कैसे पूरा होगा? मेरी एक बात सुनिए, मेरी कश्मीर का मुद्दा बीच में ला रहे हो तो कैसे ठीक होगा? मेरी एक बात समझिए, तो बातचीत छोड़ दें, तो बंद कर दें सब कुछ, ऐसे भी नहीं चलता साहब। कहीं ना कहीं जब कोई नई सरकार आती है, सकारात्मकता अच्छे इंसानों के साथ आती है। जिस इंसान ने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जिस इंसान ने मतलब इतना जुझारूपन, मैंने उनको मौत से जूझते हुए देखा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। मैंने उस इंसान को कठिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हुए देखा जहां उनके पास ताकत है लोगों की जिंदगी तब्दील करने की। तो मैं उस इंसान पर भरोसा कर रहा हूं। नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सब कुछ बदल जाता है सर। जब आप दृष्टि बदलते हैं ना अपनी, तो सृष्टि बदल जाती है। मुझे लगता है कि तो इमरान खान कैसे प्राइम मिनिस्टर साबित हो? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे आस है, मुझे विश्वास है, वो 6 महीने में पता लग जाएगा भाई। अगर वो 2 कदम आएंगे तो हम 4 कदम चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसमें भारत के हित में कुछ ना हुआ तो वो भी कहेंगे, लेकिन बातचीत से ही सुलझेगा ना। ये लड़ाई बुलेट की नहीं है मेरे भाई, ये लड़ाई बैलेट की है, और इसमें वायलेंस हैज नो स्कोप। मैं गांधी जी के बारे में पढ़ता रहा हूं, मैंने देखा है ये देश कैसे आजाद हुआ, अंग्रेजों से कैसे आजाद हुआ, उसमें हिंसा का कोई स्कोप नहीं है, मैं उसमें नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जो देश की क्षति को, देश की साख को आहत देता है,
तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री और अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उम्मीद को त्यागूंगा नहीं। जब तक श्वास है, ये आस है कि हमारे बॉर्डर खुलेंगे, ये आस है कि कोई बंदा अमृतसर से लाहौर जाएगा, सवेरे साग मक्की की रोटी घर पे खाएगा, वहां बिरयानी खा के ट्रेड वगैरह करके वापस आएगा, उससे संबंध क्लोज बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देंगे इमरान खान। देखिए जो हमारे घुसपैठ हो रही है लगातार, वो सब बंद हो जाएगी। एक बात, कश्मीर, क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि भारत का अभिन्न अंग है, तो किस मुद्दे पे बात हो, कश्मीर पे क्यों बात हो? एक बात समझो यार, कि घुसपैठ होती है, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट है भी तो बंदे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों को फैसिलिटेट करो भाई, उसी से संबंध बढ़ेंगे ना। मैं पाकिस्तान 14 साल बाद गया था, 88 में गया, फिर उसके बाद जब भारतीय टीम 16 साल बाद वापस गई, तो मैं खान साहब के साथ कमेंट्री कर रहा था, हम दोनों इकट्ठे बैठ के करीब एक महीना हुआ, उसके बाद मैं एमपी बना, राइट। मैं उनको जानता हूं, बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो हमारे लिए लोगों का नजरिया कुछ और था भाई, लोग गाड़ी के पैसे भी नहीं लेते थे। मैंने वहां एक पठान से बाजू लड़ाया, वो ताड़ा था, वो मतलब प्रोफेशनल था, वो कील लगे होते हैं, तो जब वो कीलों के पास हाथ पहुंचा ऐसे करके नीचे, तो मैं जोर लगा रहा था, तो उसने मुझे स्माइल देके कहा, खोचे आप हमारे मेहमान हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी बुरे हैं या सभी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों से क्या सलूक होना चाहिए वो आपका रवैया है, बुरे लोगों से क्या सलूक होना चाहिए, घुसपैठ से क्या सलूक होना चाहिए, वो भारत सरकार का मामला है। स्पोर्ट्समैन बैरियर गिराता है, स्पोर्ट्समैन फासले मिटाता है, स्पोर्ट्समैन पुल बनाता है। चाहे कोई बड़ा कलाकार हो, नुसरत फतेह अली खान साहब से बड़ा सम्मान शायद ही किसी को मिला हो, इंग्लैंड में बैठते हैं, वहां भारतीय भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, आनंद लेते हैं उनकी कला का। गुलाम अली साहब हैं, कई कलाकार हैं, हाँ जी, फिल्मी लोग हैं जिनको पाकिस्तान में बहुत प्यार मिलता है। तो ऐसा नहीं यार, कुछ अच्छे लोगों की तरफ भी देखो, पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग, कहीं से शुरुआत करो। और अगर कोई अच्छा इंसान आया है और आश्वासन देता है तो भाई ट्राई तो करो, मतलब दोबारा से बातचीत शुरू होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान। भैया अगर भारत सरकार चाहे संबंध सुधरे, ये खून खराबा बंद हो, दिस ब्लडशेड मस्ट स्टॉप, राइट, क्योंकि ये तो फिर वही बात हो जाती है ना कि वो सोल्यूशन नहीं है, तो बातचीत से बड़े बड़े मसले सुलझे हैं, देशों के मसले सुलझे हैं, मुझे आस है और खान साहब पूरा विश्वास है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो तो मिलिट्री के उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर के, मिलिट्री का पूरा सपोर्ट, देखिए मिलिट्री उनके पीछे है, उनके जितवाने में, उनको खड़ा करने में मिलिट्री का पूरा। तो फिर भाई घर बैठ जाए, क्या चाहते हो कि अगर वो कहें कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मुबारक दी है, ना देते उनको मुबारक, हाँ ना कुछ शुरुआत करें, सोचते ही रहें। The heaviest burden in life is the things that might happen but don't. ये हम हुए जो हैं उनको निकालें, जो होता है उस पर रिएक्शन दें, और उस पर जैसे एक कदम वो आए एक कदम हम चलें, लेकिन प्रयास तो हो, ये प्रयास तो हमेशा रहेगा, उस प्रयास का हिस्सा बनना चाहता हूं भाई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ को बुलाया था, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, जी आपको लगता है कि इमरान खान को भी नरेंद्र मोदी को न्योता देना चाहिए? देखिए मेरी एक बात समझिए, कोई भी देश का हेड होता है जब, ठीक है, तो वो सभी का हेड है, सारे देश का हेड है, तो उसको सम्मान मिलना, भारत को सम्मान मिलना है। एक बात आप बड़े ध्यान से समझिए, चाहे राहुल जी हों चाहे मोदी साहब हों, जो लोग भरोसे योग्य हैं, जिन लोगों के किरदार हैं, कोई भी हो जिसको वो समझते हैं वो बुलाएं, इसमें हम कहां से आ गए? ये तो फॉरेन ऑफिस तय करेगा, पाकिस्तान तय करेगा कि उन्होंने किसको बुलाना है। अगर मुझे बुलाया है तो मुझे ये सम्मान वाली बात लगी है, क्योंकि कपिल देव साहब को भी बुलाया है और गावस्कर साहब को भी बुलाया है, ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं, आमिर साहब को भी बुलाया, उन्होंने ना कर दी ये उनका पर्सनल मामला है, मैंने हाँ कर दी ये मेरा पर्सनल। आपको व्यक्तिगत तौर से फोन किया था या उनकी पार्टी की तरफ से मैसेज? नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से मैसेज आया है, और यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास तो उनका पर्सनल फोन है नहीं, और यहाँ से फोन जो चलते हैं वो वैसे नहीं है, लेकिन अगर बुलावा आएगा तो मैं, भारत सरकार की परमिशन अगर मुझे होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो केजरीवाल है वहां के, पाकिस्तान के। देखिए एक बात आप समझिए, क्या कहा जाता है क्या नहीं, मैं इस पे बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, मेरा अनुभव है, मेरी आत्मा की आवाज है,
और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। इमरान खान साहब को मैंने 1983 से देखा है और मैंने उनको मतलब हर तरीके से हर परिस्थिति में खरा समझा है, खरा चाचा परखा खरा। इसलिए ये विश्वास मिट्टी का बर्तन होता है साहब, एक बार टूट जाए ना तो फिर गूंद लगाते रहो, दरारें दिखती रहती हैं, लेकिन अभी वो सलामत है। एक क्रिकेटर क्या देश चला पाएगा भाई? एक क्रिकेटर को वोट आपने डाले? नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने डाले। लोकतंत्र क्या कहता है? जो लोग चाहें वो हो। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। ये पाकिस्तान की जनता की आवाज़ है, इसमें आप और मैं खलल डालने वाले कोई नहीं होते।